नमस्कार। जान लेते हैं राजस्थान की शिक्षा जगत की अहम खबरें। कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा, मास्टर प्रश्न पत्र और प्राइमरी आंसर पर मिलेगा आपत्ति का मौका। 1,80,127 अभ्यर्थी पंजीकरण। अजमेर से बड़ी खबर, एसआई और कॉन्स्टेबल भर्ती की अधिसूचना 15 को होगी जारी। आरपीएफ में नौकरी का ख्वाब देख रहे युवाओं का इंतजार होगा खत्म। इस बार नया प्रयोग, आरआरबी कराएगा परीक्षा। रेलवे सुरक्षा बल में होने वाली भर्ती की प्रक्रिया को अब तक रेलवे सुरक्षा बल ही संपन्न कराता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। रेलवे सुरक्षा बल की भर्ती परीक्षा रेलवे भर्ती बोर्ड कराएगा। अगली खबर है, लाइब्रेरियन और पीटी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस भी मुस्तैद। 31 को अजमेर मुख्यालय पर होगी। पुलिस लाइन सभागार में कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों जवानों को दिया निर्देश। अगली खबर है, परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन 4 तक। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के बीएड एचआई बीएड एमआर ऑल आर आई ई एवं अन्य एमएड ऑल के अन्य पार्ट प्रथम द्वितीय के विद्यार्थी परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क के साथ 4 अप्रैल तक ऑनलाइन कर सकते हैं। बड़ी खबर, 23,000 पाते वेतन, उच्च प्राथमिक प्रधानाध्यापक पदोन्नति से वंचित। पुराने नियम बने बाधक, 13 साल से नहीं मिल रहा वरिष्ठ अध्यापक और आगामी वरिष्ठता का लाभ। नियमों के विरुद्ध किया संशोधन योग्य, शिक्षकों को मिले उनका हक। चित्तौड़ से बड़ी खबर है, अभ्यर्थियों के भाइयों ने हजारों रुपए में हासिल की डिग्रियां। घंटों जांच पड़ताल के बाद जब्त किए कई दस्तावेज। फर्जी डिग्री मामले में एसओजी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर मारा छापा। जांच में हुए थे कई संगीन खुलासे। एसओजी ने इन फर्जी डिग्रियों की जांच में मेवाड़ विश्वविद्यालय को लेकर कई तरह की चौंकाने वाली जानकारी मिली। इससे ज्ञात हुआ कि फिर मेवाड़ विश्वविद्यालय बेग रेट में कई तरह की डिग्रियाँ जारी कर दी जाती हैं और कई राज्यों के अभ्यर्थियों को यहाँ प्रवेश के बाद भी नियमित उपस्थिति पर भी उन्हें उपस्थित होना बताया जाता है। अगली खबर, CHO भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक मामला। 5 लाख रुपए में पेपर खरीद कर परीक्षा देने का आरोपी गिरफ्तार। जयपुर से बड़ी खबर, नरेश परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर है, आचार संहिता में फंसे परिणाम, चयन बोर्ड ने आयोग से मांगी परिणाम जारी करने की अनुमति। 7 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार, चुनाव आयोग अनुमति दे तो 7 भर्तियों का परिणाम जारी हो। 7 भर्तियों में 17,271 पदों के भर्ती परिणाम जारी किए जाने हैं। परिणाम जारी करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। आलोक राज अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अनुमति मांगी है कि परिणाम जारी हो तैयार है और जारी करने में थोड़ी देरी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।